कई राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय और इंडिया गठबंधन के विघटन के बाद कांग्रेस और उनके नेता बौखला गए हैं और इसी की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तानाशाह कहा है। इस बात की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके द्वारा और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के द्वारा देश और राज्य में विकासात्मक काम काफी तेजी से चल रहे हैं। इसी की वजह से विरोधी पार्टियां झूठे आरोप करने में लगी है। ऐसी प्रतिक्रिया शिंदे गुट के अरुण सावंत इनके द्वारा दी गई है। कई राज्यों में विधानसभा इलेक्शन में कड़ी हार होने के बाद कांग्रेस और उसके साथी बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में कल कांग्रेस के मुखिया यानी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यह कहा कि देश के प्रधानमंत्री तानाशाह बन गए हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को यह कहना चाहता हूं कि देश के आदरणीय 15 पंत प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार से कहना उचित नहीं है। मैं कांग्रेस की और उनके अध्यक्ष की निंदा करता हूं। उसी प्रकार उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा में अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो कांग्रेस को वोट कीजिए। देशवासियों, नरेंद्र मोदी जी के हाथों यह भारत देश सुरक्षित है, सुजलाम सुफलाम बन रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। 2024 को इसी प्रकार से आप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को चुनकर दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता फिर एक बार लाइए, क्योंकि कांग्रेस के पास विकासात्मक दृष्टिकोण से कोई भी काम अभी बचा नहीं है और कोई एजेंडा उनके पास है नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।